हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रभा क्रिएशंस। आज आपके सामने मैं एक बहुत अच्छा डिज़ाइन लाई हूँ। ये डिज़ाइन लेडीज़ कार्डिगन में, जेंट्स स्वेटर में और बच्चों की स्वेटर में बहुत सुंदर लगता है। देखिए इस डिज़ाइन में ये 7 फंदों का डिज़ाइन है। देखिए इस सीधे फंदे से और इस सीधे फंदे के बीच में 7 फंदे हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। फिर इधर देखिए आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी कि 7-7 फंदों का डिज़ाइन है ये। तो आप अपने प्रोजेक्ट के अनुसार फंदों का अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हमने कम से कम 6 लाइन या 8 लाइन बुननी है। आप 6 लाइन भी बुन सकते हैं और 8 लाइन भी बुन सकते हैं। उसके बाद हमने डिज़ाइन देना है। तो आइए इस डिज़ाइन को बनाते हैं। ये 2 डिज़ाइन के अनुसार मैंने 17 फंदे डाले हुए हैं। आइए हम डिज़ाइन को डालते हैं। ये डिज़ाइन डालने की फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो में हम पहले 3 फंदे हम उल्टा बुनते हैं। उसके बाद 1 सीधा फंदा, फिर 2 उल्टे फंदे, फिर 1 सीधा फंदा, फिर 3 उल्टे फंदे, फिर 1 सीधा फंदा, फिर 2 उल्टे फंदे, फिर 1 सीधा फंदा और उसके बाद 3 उल्टे फंदे। ये फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड रो बुनते हैं। सेकंड रो बैक साइड, जो फंदे हमने फ्रंट साइड में उल्टे बुने थे वो सीधे बुनने हैं। तो इसके अनुसार ये हमने 3 सीधे फंदे बुने धागे को अपनी ओर, 1 उल्टा फंदा धागे को बैक साइड में, 2 ये सीधे फंदे, यानी कि जो फंदा जैसा दिख रहा है हमने वो फंदा वैसा ही बुनना है। और इस रो को हम कंप्लीट करते हैं। थर्ड रो फ्रंट साइड, फिर हमने वही रिपीट पैटर्न अपनाना है। ये एक तरह से बॉर्डर के ही जैसे बुना जाएगा। 3 उल्टा और 1 सीधा, 2 उल्टा और 1 सीधा। देखिए 3 उल्टा और 1 सीधा। और इस रो को भी हम कंप्लीट करते हैं। फोर्थ रो बैक साइड, 3 फंदे हम सीधा बुनते हैं, 1 फंदा उल्टा बुनते हैं, 2 फंदे हम सीधा बुनते हैं और 1 फंदा हम उल्टा बुनते हैं। फिर देखिए 3 फंदे सीधे और इसी तरह से जो फंदा जैसा दिखाई दे रहा है उसको वैसा ही बुनते हैं और इस रो को भी कंप्लीट करते हैं। फिफ्थ रो फ्रंट साइड, फिर हमने वही पैटर्न अपनाना है। 3 उल्टा और 1 सीधा, 2 फंदे उल्टे और 1 फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे और 1 फंदा सीधा। और इसी तरह से इस रो को भी हम कंप्लीट करते हैं। सिक्स्थ रो बैक साइड, 3 फंदे हम सीधा बुनते हैं, 1 फंदा उल्टा, 2 फंदा सीधा और 1 फंदा उल्टा। और इसी तरह से जो फंदा जैसा दिखाई दे रहा है उसको वैसे बुनते हैं। इस रो को भी कंप्लीट करते हैं। सेवेंथ रो फ्रंट साइड, ये डिज़ाइन डालने का है। देखिए इसमें हम 2 फंदे उल्टा बुनते हैं और यहाँ पर देखिए ये सीधा फंदा है, इसके दोनों साइड के उल्टे फंदे का एक पेयर, ये सीधा फंदा है इसके दोनों साइड के फंदों का एक पेयर। हम ऐसा करते हैं कि इधर के जो 3 फंदे हैं इनको हम फ्रंट में राइट साइड को ले आते हैं इस तरह से, यानी कि इन 6 फंदों की हम प्लेस को हम चेंज कर देते हैं इस तरह से। और देखिए ये उल्टा फंदा है, उल्टे फंदे को उल्टा बुनते हैं ताकि को बैक साइड में, ये सीधा फंदा है
धागे को अपनी ओर, आप देखेंगे कि ये भी दो फंदे उल्टे हैं, धागे को बैक साइड में, ये सीधा फंदा है। धागे को अपनी ओर, ये उल्टा फंदा है, उसके बाद ये उल्टा फंदा। देखिए अब यहाँ पर सीधे के दोनों साइड के ये उल्टे का एक पेयर, सीधे के दोनों साइड के उल्टे का एक पेयर, इनका भी हम, इनकी प्लेस को भी हम इस तरह से चेंज कर देते हैं। इस तरह से देखिए, ये सीधा फंदा है और ये उल्टा फंदा, दो उल्टे फंदे। देखिए ये सीधा फंदा है और ये उल्टा फंदा और ये दो उल्टे फंदे। सारे फंदे अपनी अपनी जगह में आ जाते हैं। ये पूरे फिर से तीन उल्टे एक सीधा, दो उल्टा एक सीधा, तीन उल्टा एक सीधा, उसी पैटर्न में सारे फंदे आ जाते हैं और ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। इसमें आप जो मैंने दूसरा ये पल्ला बुना हुआ है उसके अनुसार भी आपको दिखाती हूँ। पहले इसमें बैक साइड से जैसा जो फंदा दिखाई दे रहा है हमने वैसे ही बुनना है। फिर ये हमने 6 लाइन बुननी है, आप 8 लाइनें भी बुन सकते हो। फिर उसके बाद हमने इनको ऐसे ही मोड़ दिलाना है, इनकी प्लेस चेंज करनी है और इस तरह से ये पैटर्न आगे पूरा डिज़ाइन आ जाता है। तो मैं आपको दूसरा पल्ला दिखाती हूँ। देखिए ये मेरा दूसरा पल्ला है, इसमें डिज़ाइन इस तरह से आ रखा है। ये पूरी 6 लाइनें हमने बुन दी हैं, ऊपर 6 लाइनें बुन दी हैं और इसमें हमने फिर उसी तरह से डिज़ाइन को हमने मोड़ना है। देखिए इसमें भी एक बार सीधे के दोनों साइड के उल्टे और सीधे के दोनों साइड के उल्टे, हमने उनकी पोजीशन को चेंज कर दिया है। देखिए तीन फंदों को एक साथ निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन डिजाइन में देखिए ये सीधा फंदा, फिर ये दो उल्टे फंदे, फिर ये सीधा फंदा और फिर ये उल्टा फंदा, उसके बाद का ये उल्टा फंदा, फिर उसके बाद फिर से डिज़ाइन वैसी चेंज हुआ और इसी तरह से इस पूरी रो को कंप्लीट करते हैं। देखिए ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से फिर से हमने 5-6 लाइनें बुननी है, फिर इसी तरह से हमने 7वीं लाइन में इसको मोड़ दे देना है फ्रंट साइड में। देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छे डिज़ाइन ला सकूँ। थैंक यू।